गुड मॉर्निंग एवन आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर मतलब कि ऐसा मिरर जो किसी स्फेयर का पार्ट हो हमारे पास हमने एक इमेजिन किया हमारे पास कोई एक स्फेयर है और अगर उस स्फेयर को हम तोड़ देते हैं तो उससे कोई भी जो छोटा टुकड़ा निकलता है अगर हम उसको पॉलिश कर देंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा स्फेरिकल मिरर अगर हम इस टुकड़े हमने माना कि हमारे पास एक टुकड़ा है एमन एम एन इस टुकड़े पर अगर हमने बाहरी सरफेस पर पॉलिश की सिल्वर की पॉलिश की और इंटरनल सरफेस से अगर हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इस टुकड़े को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर और अगर इसी में बाहरी टुकड़े को ना पॉलिश करके अंदरूनी टुकड़े को पॉलिश कर दें और बाहर से अगर हम रिफ्लेक्शन फिनोमिना देखें तो हम इस टुकड़े को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स हमारे पास जो टुकड़ा होता है इस टुकड़े का जो टोटल अम, टोटल एरिया जो होता है हमारे पास या हम जो बोले जिससे जितना अमाउंट ऑफ पार्ट जो कि लाइट को एंटर करने देता है उसको हम बोलते हैं अपर्चर यहाँ हमारे पास एम एन क्या है अपर्चर इस मिरर का जो भी हमारे हाथ में मिरर होगा उस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट कॉल्ड पोल पोल किसी भी मिरर के लिए रेफरेंस पॉइंट होता है रेफरेंस इन द सेंस कि अगर हम कुछ भी चीज मेजर करेंगे वो हम हमेशा पोल से मेजर करेंगे तो एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है पोल नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर ऑफ करवेचर ये मिरर जिस स्पेयर का टुकड़ा होता है या अगर इस मिरर को हम एक स्फेरिकल टुकड़े का पार्ट मानते हैं तो उस स्पेयर का जहां सेंटर आएगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के मिड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस तो हमारे पास क्या क्या हो गए अपर्चर एम एन पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस एक ऐसी इमेजनरी लाइन जो कि पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए जाती है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस तो ये जो कुछ पार्ट्स ये कुछ डेफिनेशन हैं हमारे मिरर से रिलेटेड दैट इज एम एन इज अपर्चर एफ फोकस पी पोल सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्स वाई एज ए प्रिंसिपल एक्सेस ना बिटवीन पी एंड सी चुकीयर है तो सेंटर से सरकम तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है रेडियस तो ऐसे ही यहाँ पी से सी के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी सी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से

इमेज डिस्टेंस या स्मॉल वी हमारे पास कॉनके मिरर और कॉनवेक्स मिरर दोनों ही हैं दोनों में ही स्मॉल एफ कैपिटल आर स्मॉल यू और स्मॉल वी की वैल्यूज होती है बट जब हम न्यूमेरिकल पार्ट कर पोर्सन की बात करते हैं तो हमें यहां देखना होता है कि कब वैल्यू पॉजिटिव होगी या कब वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स के लिए ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप यहाँ से कॉन्सेप्ट uh, क्लियर नहीं रखते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मेरे पास दो डिजिट हैं टू एंड थ्री और मैं बोलूँ इनको हमें ऐड करना है तो टू एंड थ्री से फोर पॉसिबल आंसर्स बनते हैं दैट इज़ अगर टू भी पॉजिटिव है थ्री भी पॉजिटिव है तो टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव अगर टू भी नेगेटिव है थ्री भी नेगेटिव है तो माइनस टू प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव टू पॉजिटिव थ्री नेगेटिव तो आंसर माइनस वन एंड टू ने अगर हम इन दो डिजिट में से किसी भी टू और थ्री में से किसी का भी एक डिजिट का भी साइन गलत लगा देते तो हमारा आंसर गलत आता है तो हमें साइन कन्वेंशन पर ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन के लिए आपको नंबर लाइन सिस्टम ही फॉलो करना है आपने मैथ्स में देखी हुई नंबर लाइन जो होती है तो हम देखते हैं यहाँ जीरो होता है और यहां से प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री यानी जीरो से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर होते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री नेगेटिव नंबर्स होते हैं ऐसे ही इस एक्सिस पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री इस साइड क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर और इस साइड क्या होते हैं नेगेटिव नंबर तो सेम टू तो सेम हमें भी यही पैटर्न फॉलो करना है विद रिस्पेक्ट टू अगर आप कॉनकेव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसका पोल जहाँ होगा वो आपका एज अ रेफरेंस पॉइंट होगा एज अ जीरो होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की तो कौन के मिरर को ही देख अकेले हम तो कौन के मिरर के लिए हमारे पास ये हो गया जीरो पॉइंट अब एफ यहां है सी यहां है और आप कभी भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वहां कहां रखेंगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखना है चाहे आप कौन के मिरर की बात करें चाहे कॉनवेक्स मिरर की बात करें चाहे प्लेन मिरर की बात, चाहे मिर की बात करें या कोई भी लेंस की बात करें कभी भी बात करें हमने जो रेफरेंस माना हुआ है वो हम क्या मानते हैं ऑब्जेक्ट इज कैप्ट लेफ्ट हैंड साइड तो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो कहाँ रखेंगे इधर कहीं इधर से कहीं भी रखेंगे तो इसकी पोजिशन कैसी आएगी हम देख रहे हैं जीरो है और ज़ीरो के हम लेफ्ट हैंड साइड बात कर रहे हैं तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव तो यू की वैल्यू कैसी आएगी ऑलवेज इन ऑलवेज नेगेटिव अगर फोकल लेंथ की बात करें कौन के मिरर की फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ क्या है इधर से इधर का डिस्टेंस अगेन ये डिस्टेंस कहाँ है जीरो के लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि नेगेटिव तो कौन के मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव या रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव अब इमेज अगर इमेज अगर इस साइड बनेगी तो वी वैल्यू वी की वैल्यू आएगी नेगेटिव और अगर इमेज इस साइड बनेगी तो वी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव सेम टू सेम अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखोगे डेफिनेटली इसी साइड रखना पड़ेगा तो यू तो हमेशा कैसा आएगा नेगेटिव एफ की बात करें फोकल लेंथ की बात करें तो एफ किस साइड कॉन्वेक्स मिरर का दिस साइड तो इसके लिए फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव अगेन इमेज कहाँ बन रहा है डिपेंड करता है इमेज अगर लेफ्ट हैंड साइड बनेगा तो नेगेटिव राइट हैंड साइड बनेगा तो पॉजिटिव जब आप अभी हम थोड़ी देर बाद इनकी डायग्राम देखेंगे या इनकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे उसके बाद हम वीक पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर रखा हुआ है तो उसकी जो हाइट होगी अगर हम इस डायरेक्शन से मेजर करें तो कैसी होगी पॉजिटिव अगर कोई रियल इमेज बनती है तो रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड मतलब कि वो कहाँ जाएगी डाउनवर्ड साइड जाएगी डाउनवर्ड साइड मतलब उसकी वैल्यू जो आएगी हाइट ऑफ इमेज कैसी आएगी वो नेगेटिव क्योंकि वो कहाँ जा रही है इस साइड और अगर कोई वर्चुअल इमेज बनती है तो वो हमेशा कैसी बनती है इरेक्ट इरेक्ट मतलब कि ऊपर की ओर तो उसकी हाइट कैसी आएगी पॉजिटिव सीधी बात याद रखना है अगर कोई इस लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव इस लाइन के नीचे है तो नेगेटिव इस लाइन के राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव दिस साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर